फ्रेंड्स वाटे तक भाई। तो फ्रेंड्स वापस से हम लोग आ गए हैं व्लॉगिंग करने के लिए। मैं जानता हूँ आप लोगों ने मिस तो बहुत किया होगा मेरे को। और आज होली है, होली का दहन है आज, तो हैप्पी होली सबको। और आज मैं चालू कर रहा हूँ ये व्लॉग, मतलब बहुत टाइम से व्लॉग नहीं किया है तो भी थोड़ा सा भूल गया हूँ मैं थोड़ा सा क्या करता था। बीच में मैंने बहुत बार कोशिश भी की थी व्लॉग बनाने की और अभी तक वो वीडियो वैसे की वैसी बढ़िया एडिट वगैरह नहीं की मैंने, क्योंकि वो पूरी नहीं बन रही थी वीडियो पूरी। तो अभी होली है तो नीचे हम लोग होली, जो हमारे आसपास के एरिया में जो भी जलाता है ना होली एकदम, तो वहाँ से हम लोग कुछ उसका हिस्सा लेकर आते हैं और हम यहाँ पे नीचे उसको जला के परिक्रमा वगैरह लगा के थोड़ी पूजा वगैरह करते हैं। तो वो अभी हम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग वहाँ पे होली का के अंदर लेने गए थे ना, वो जो उसको क्या बोलते हैं, कंडे बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो वो फिर विशाल भैया के साथ बताऊँ क्या हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा प्लेट गर्म हो गई थी तो विशाल भैया को अपनी टी शर्ट उतारने पड़ी सब लोग के सामने। और फिर उन्होंने वहाँ पे वो गर्म हो गई थी तो प्लेट तो वहाँ पे लगाया उन्होंने टी शर्ट, तो उनकी टी शर्ट भी जल गई। अभी फिर नीचे चलते हैं, पूजा करते हैं थोड़ी, और बहुत टाइम बाद आपसे मिलना हो रहा है तो बहुत सारी बातें भी बतानी है आपको, तो चलते हैं। हेलो दादी, कैसे हो? ठीक हूँ, हैप्पी होली मेरा बेटा। पूर्वी हेलो, हैप्पी होली तो बोल दे। यहाँ पे मम्मी यहाँ पे आग जलाने की कोशिश कर रही है, अभी मैं जलाता हूँ। जलाने की कोशिश कर रही है क्या? हाँ, होली जलाने की कोशिश कर रही है। हैप्पी होली बोल दो मम्मी सबको। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अभी फाइनली आग जल चुकी है, अब पूजा करेंगे और उसके बाद परिक्रमा करेंगे और फिर चलेंगे। भोग लगाओ ऐसे? नहीं नहीं, अच्छा ऊपर कागज रख दे, पूरी तू रख दे, ऊपर भी रख दे कागज, ठीक है? कंडे गीले हैं थोड़े। तो अभी फाइनली भोग चढ़ाते हैं। आज है फाइनली खेलने वाली होली, तो आज बढ़िया हम अपन खेलेंगे होली। तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। कल थी होली का दहन और वो होली का दहन मैंने दिखाई नहीं आपको, क्योंकि उस समय तक मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को व्लॉगिंग भी करनी है क्या। फिर मैंने अचानक से ही ठान लिया कि चलो व्लॉगिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज फाइनली हम लोग खेलने वाले हैं होली। पिछली बार की तो आपने देखी थी कितने मजे आए थे, मेरे तो कपड़े वपड़े फट गए थे पूरे एकदम। और आज भी मेरे को लग रहा है उन्होंने क्या किया, सब दोस्त लोगों ने थीम बनाई कि सब लोग कुर्ता पजामा पहनकर आएंगे और सब लोग ऐसे सस्ता वाला ही खरीद के आएंगे, क्योंकि एंड में जाके फाड़ना ही है सबके। भाई मैं तो फटवाने से बचा लूंगा, देखते हैं क्या होता है। मैं तो भाई यार ऐसे थोड़ा ना अच्छा लगता है गली में, ऐसे थोड़ी ना हम नंगे डोलेंगे इधर से उधर इधर से उधर। अब पता नहीं क्या होने वाला है, मेरे को तो लग रहा है फाड़ देंगे कोई, बच नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं खुद ही उनके कपड़े फाड़ना चाहता हूँ, क्योंकि होली पे यार मजा ही अलग होता है कपड़े वपड़े फाड़ने का एकदम। बस एक होली तो होती है जिसमें कपड़े वगैरह फाड़ने के लिए होते हैं, बढ़िया रंग वंग लगाते हैं। आज तो पूरा बहुत ही गड़बड़ होने वाला है मामला, क्योंकि मेरे दोस्तों को तो आप वैसे जानते ही हो पर इतना अच्छे से नहीं जानते हो, क्योंकि भाई वो बहुत शैतान आदमी है, कुछ भी कर देते हैं। एक बार तो पता नहीं किसी दोस्त को गटर के पानी से नहला दिया था, पता नहीं कुछ ऐसा ही था। तो देखते हैं आज क्या होता है। अभी तो 9:30 बज गए हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कलर्स वगैरह का खेलने का। पहले तो जब छोटे थे तो बहुत क्रेज था, जब छोटे थे तो सुबह सुबह ही घर वालों को रंग लगा देते थे वगैरह सब कुछ कर देते थे। और इस होली पे तो मेरे पापा भी नहीं है, वो गए हुए हैं ट्रैकिंग पे गए हुए हैं अभी के लिए। देखते हैं कब आता है दोस्तों का फोन, तो जैसे उनका फोन आएगा जब चलते हैं उनके पास में। और हैप्पी होली। देखो फ्रेंड्स वो कैसे ही होली खेल रहे हैं, जब मैं भी इतना था तो मैं भी इस समय पे ऐसे ही होली खेलता था। अब तो वो क्रेज ही नहीं रहा है, अब धीरे धीरे क्रेज जाता रह रहा है, सब लोग होली खेल रहे हैं वहाँ पे, हम कब खेलेंगे यार। अभी मैं होली से पहले पूरा एकदम डाइटिंग पे चल रहा था, मस्त एकदम कुछ भी नहीं खा रहा था, बहुत ही कम खा रहा था, कैलोरी डेफिशिट पे चल रहा था मैं। वैसे तो आप जानते हो मेरी डाइटिंग कैसी होती है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। तो अभी डाइटिंग में बढ़िया से कर रहा था और फिर ये होली आ गई। ये होली के दिन फिर इतनी मिठाइयां आ गई ना हमारे घर में कि मैं फिर उसके बाद अपने आप को रोक ही नहीं पाता, मैं बस खाते रहता हूँ खाते रहता हूँ। अब मैंने ना अपना वेट भी चेक नहीं किया है,
वेट चेक करेंगे होली के बाद ही, क्योंकि अभी कल खत्म हो जाए, मतलब आज आज में खत्म हो जाएगी होली, कल से वापस से डाइटिंग पे चालू करेंगे एकदम फोकस से फोकस। तो अभी क्या हुआ कि मैंने पहले बोल दिया दादी को कि भाई मैं कुछ भी मिठाई नहीं खाऊंगा, कुछ भी मत लाना मेरे लिए, सब सारी मिठाइयां आप थोड़ी थोड़ी ले आना अपने अपने लिए, मैं तो बिल्कुल नहीं खाने वाला कुछ भी। फिर दादी लेकर आई सबसे पहले एक मिठाई की गुजिया जो होती है ना गुजिया, उसका एकदम डब्बा लेकर आई छोटा सा, वो भाई कम से कम भी मतलब सुबह लाई थी शाम तक खत्म, एक एक बार में चार चार गुजिया खा जाता था मैं ऐसे ही। उसके बाद फिर दादी उल्टा ऐसे नहीं कि नहीं लाई, उसके बाद दो पैकेट और ले आई गुजिया के बड़े बड़े। अब तो भाई ऐसे खत्म होती जा रही है गुजिया, पता ही नहीं चल रहा, रात को चार, शाम को पांच, सुबह इतनी सारी, मतलब मेरे को लग रहा है जितना मैंने पूरे दो तीन साल में जितना वेट लॉस किया होगा ना, वैसे तो लॉस किया नहीं होगा मैंने, पर उतना वापस से बढ़ गया होगा मेरा। पता नहीं कितनी गुजिया खा गया हूँ मैं दो दिन के अंदर, कम से कम भी 25 गुजिया तो खाई गया हूँ पक्का 25 तो होने वाली, मतलब ये अभी दूसरा पैकेट भी अभी खत्म होने वाला है बड़ा वाला 1 किलो वाला, तो हाँ आराम से 25 गुजिया, पता नहीं कितना वेट आने वाला है मेरा। मैं पहले बढ़िया होली से पहले ना केले भी नहीं खाता था, केले में भी क्या होता है फैट होता है ना, तो मैं वो भी नहीं खाता था, अब तो गुजिया भी चल रही है, कुछ भी खा रहा हूँ मैं तो इन दिनों, तो पता नहीं क्या हो रहा है। एक बार ये हो जाए ना होली, उसके बाद बढ़िया डाइटिंग वाइटिंग करेंगे पूरा एकदम, और जिम भी जाता था ना मैं, आपको पता ही है, तो जिम के भी व्लॉग्स डालेंगे बढ़िया। तब तक के लिए कोई कलर वलर नहीं लगाता, जब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स अभी पूर्वी का 13 तारीख को एग्जाम है और ये बेचारी पूर्वी पढ़ रही है। ओह अभी अभी इसने गेम चला रखा था, अभी जैसे ही मैंने वीडियो ऑन किया ये वीडियो चला दी इस पूर्वी ने। क्या हो गया तेरे गले को, ऐसा क्या हो गया? तबियत खराब हो गई। जैसे ही एग्जाम आते हैं इसकी तबियत बिल्कुल खराब हो जाती है, जैसे ही खत्म हो जाते हैं बढ़िया आइसक्रीम खाती है, जब कुछ नहीं होता इसको, जब तो इसका गला 24 घंटे ऑन ही रहता है। मैं अपने फ्रेंड्स के घर पे जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है मेरे साथ, ये तो मेरे को लग रहा है फटने वाली है, बस पैजामा ना फाड़ दे मेरा कहीं। ये मैं मतलब ये आपको वैसे ही थोड़ा कलर दिख रहा होगा इसमें, क्योंकि कल मैं गया था गोविंद देव जी टेम्पल, तो वहाँ पे मैं यही पहन के गया था, वहाँ पे बढ़िया होली खेली थी, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी वहाँ पे, उसकी वीडियो भी लगा दूंगा इसके बाद, तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे चल के देखते हैं। तो लेट्स गो। फ्रेंड्स अभी मैं फाइनली अपने दोस्त के यहाँ से आ गया हूँ, और आप देख ही सकते हो मेरा क्या हाल कर दिया उन्होंने, पूरा लग ही नहीं रहा यार। मैं भी अपने आप को पहली बार ही अभी देख रहा हूँ, बीच में ना मैंने व्लॉग बनाया ना कुछ, क्योंकि वो पानी वानी फेंकने लगे थे। टी शर्ट भी चेंज हो गई है मेरी, देखो पूरा पैजामा वगैरह सब गंदा कर दिया सब। ये टी शर्ट मैंने अपने दोस्त से ली, मेरी फाड़ दी पूरी टी शर्ट ही, पता नहीं क्या जंगली हो गए, जैसे खेलते हैं होली खेलना है या कपड़े फाड़ने हैं, इनको पता नहीं क्या दिक्कत, मेरे को पहले से ही पता था कपड़े फाड़ने वाले हैं ये लोग, क्या लोग हैं ये। तभी मैं नहा लिया था वापस से, मेरे को मेरे फ्रेंड रंग के चले गए। दादू आपको किसी ने नहीं रंगा क्या? मेरे को देखो वापस से रंग के चले गए, ये भी मेरे दोस्त की थी, बताया था मैंने, इसको भी गंदी कर गए। अभी वापस से नहाओ बैठ के, अब क्या है होली तो एक ही बार आती है, एक बार आती है तो जितना एंजॉय करना है करो एक ही बार में, चाहे दो बार नहाओ एक दिन में, तीन बार क्या फर्क पड़ता है, चलो। हाँ फाइनली जो है होली एकदम कंप्लीट हो गई है, अभी भी मेरे कुछ कुछ जगह पे रंग उतरा नहीं है, पता नहीं कैसा था, अजीब सी स्किन हो गई है पूरी को, तो कोई कलर ही नहीं लगाया, ये खुद ही के लगाती रहती है बस कलर, और मम्मी के लगा देती है बस, मम्मी के लगाए थे, दादू लगवाते ही नहीं है, बस टीका लगाया था दादी के, और वो भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से लगवाया उन्होंने, बहुत ज्यादा कम ही लगाती है दादी। और अभी हम लोग जा रहे हैं अमरापुर मंदिर, जो कि है हम सिंधी जो है उनका टेम्पल होता है अमरापुर, तो वहाँ पे ही जा रहे हैं हम लोग, तो आपको भी वहाँ पे दिखा देंगे क्या क्या होता है। वैसे तो अंदर शायद अलाउड नहीं करेंगे कैमरा, अगर करते हैं तो ठीक है वरना शूट कर लेंगे। यहाँ पे सारी गाय माता वगैरह हैं एकदम।
अभी हम लोग आ गए हैं फाइनली अमरापुर से यहाँ पे, और जैसे ही हम आए वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई, तो कितना लकी हैं हम कि अच्छे से पहुंच गए, क्योंकि एक्टिवा में और थे, उल्टा तूफान भी था, अभी बारिश भी अगर चालू हो जाती जब हम रास्ते में थे तो काम ही खत्म हो जाता फिर पूरा एकदम, कि भीगते भीगते आते फिर बीमार बीमार हो जाते, तो एकदम फिक्स टाइम पे आ गए। जैसे ही हम यहाँ अंदर घुसे वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई एकदम बढ़िया वाली, और ऐसे एकदम ठंड वंड भी लग रही है तो बीमार तो पक्के ही हो जाते, जैसे अगर भीग जाते तो बीमार तो पक्का ही हो जाते। तो फ्रेंड्स अभी इस व्लॉग को एंड करने का समय आ चुका है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।